बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कौन आपको खबर देता है? हाँ, अरे आप लोगों को बैठा करके आप अगले बार किया जाएगा। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं इस कुमार की क्रेडिबिलिटी के नीचे। आप एक बात पर समझ लीजिए, कुछ जो मीडिया में एक जो विशेष वर्ग है और बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बातें। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आ रही हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पिछले साल 9 अगस्त को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बिहार में तो एक हुए ही हैं लेकिन देश भर में लोगों को एक करें, उस पर हम लोग सफलता पाई है। और हम लोगों की इच्छा यही है, जो लोग सत्ता में अभी काबिज हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं, इनको जो है इन सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए हम लोग एक हुए हैं और पूरी ताकत के साथ एक साथ जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, गिरिराज सिंह का बयान आया कि आरजेडी पर दबाव बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह से कुछ कोई नहीं, वो सब बेकार की बातें हैं। इन लोगों असल में बहुत दिन से बहुत लोग टीवी पे आया नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोल करके आ जाए, अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा अलायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया, तो बचा कौन है? सवाल है सर कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के पेंच फंसी हुई है, कांग्रेस नाराज चल रही है, कहा बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कौन आपको खबर देता है? अपने मर्जी का। हाँ, अरे आप लोगों को बैठा करके अब अगले बार किया जाएगा। चलिए, जिस तरीके से बयान आया था, किस तरीके से देखते रमेश भजूड़ी का बयान जो रहा था उसको लेकर के देखिए, पीड़ा तो होती है कि भाई संसद की गरिमा होती है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोग देश जो है आपको देखता है। आप सवाल जो जनता चाहता है वो आप नहीं पूछ रहे, आप जो है वही दंगाई वाली जो भाषा, जो असल चेहरा, जो हिडन एजेंडा जो बीजेपी का है वो सार्वजनिक हो गया। उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है और ज़ुबान में क्या है, ये एकदम स्पष्ट हो गया। और हम लोग तो पहले ही कहते हैं इन लोगों पर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं ना, कि बीजेपी है, बीजेपी में कितना भी रेप कर लीजिएगा तो रेपिस्ट जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। महिला पहलवान जो देश के लिए मेडल लाएगी वो भी धरने पे बैठेगी, लेकिन फिर भी जो है वो रेपिस्ट पे जो है कार्रवाई नहीं होती है। किसानों की स्थिति यही हाल है, तो इसलिए बीजेपी में चाहे कितना से भी बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, उस पर ना कार्रवाई हो सकती है ना कुछ हो सकता है, क्योंकि भाजपा का संरक्षण है ना। तो यही जो कहते ना कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद करप्शन, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद क्राइम, तो ये सवाल तो। अब आपके शहर सिवान में खुल गया है अब तक का सबसे शानदार जेंट्स एंड लेडीज के लिए ग्लैम सेंट्रल कंपनी की लग्जरी सैलून, जहां आपको बम्पर डिस्काउंट के साथ ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट, रिसेप्शन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, एचडी मेकअप, मेनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, फेशियल, वैक्स, मेहंदी लगाने के साथ साथ कई अन्य कार्यों को अत्याधुनिक और ट्रेंड एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है। फिर देर किस बात की, अभी जाएं ग्लैम सेंट्रल सैलून में, जिसका पता है फर्स्ट फ्लोर, नूर मार्केट, हॉस्पिटल रोड, नियर सदर अस्पताल, सीवान। मोबाइल नंबर है 7371008200।